गुड मॉर्निंग, सलाम अलैकुम, क्या हाल चाल पब्लिक, क्या हो रहा आज? तो तुम लोग सोच रहे होगे हम फ्राइडे के दिन क्या कर रहे थे सुबह सुबह। तो फ्राइडे के दिन सुबह सुबह आज हम लोग जा रहे हैं मॉर्निंग में मैच खेलने, क्रिकेट मैच बेट हुआ है पाकिस्तान की टीम के साथ। लेट्स सी, दोस्तों ने बेट करी है और हम भी सुबह उठ के आज जा रहे हैं ज्वाइन करने। बहुत टाइम के बाद आज क्रिकेट मैच में एंट्री करने जा रहे हैं। आई डोंट नो क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला है। तुम लोगों को ले चलते हैं और दिखाते हैं साथ में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, चलो हम चलते हैं, फिर मिलते हैं उनसे। बाय। दूर सही से चल रहा, बहुत गुस्से में लग रहा क्या? फ्राइडे में उठा दिया 6 बजे। अबे भाई कसम से। उससे इरफान के साथ सेट हुआ है मैच? नहीं नहीं, इरफान तो कोवर खेलता है। किसके साथ फिर खेल रहे हैं लोग? उसकी कंपनी के बंदे हैं सब। अच्छा, बैट वाला नहीं है? बैट वाला नहीं, क्या मालूम बैट वाला है कि बगैर बैट वाला। कपड़े की थपकी से खेले हैं। नहीं, बैट वाला नहीं। अच्छा, बीटी वाला कह रहे हो? बीटी बैट वाला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो बैट वाले में ज्यादा बेइज्जती भी होती, पैसे भी देने पड़ते। वसीम भाई तो वहाँ पहुंच जाएंगे ना अब्दुल्ला के साथ? अब्दुल्ला के साथ कहाँ बोल रहा है उसने आने के लिए? बात हुई थी लूलू के पीछे, आपकी बात नहीं हुई अभी तक? मुझे उसने बोला तो लूलू के पास, मुझे जगह नहीं मालूम। जगह तो मुझे भी नहीं मालूम, उससे भी कह रहा बस लूलू पीछे है, लूलू पीछे, लूलू पीछे। लूलू के कहाँ पीछे, कितना पीछे? तामिर भाई क्या लगता है आज कौन जीत रहा है? इंसानियत जीतेगी। इंसानियत जीत रही है, वही जीतनी चाहिए भाई। सुबह 6 बजे उठाया है तुमने फ्राइडे में। अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पूछेगा तुम लोगों को ऐसे जालिमों के जुल्म को। घर पे लड़ाई भी करवाओगे? ये वसीम लड़ाई भी करवाएगा घर पे? अम्मा भाई कसम से बता रहा हूँ, मैं अपने इतने दिन का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और इतने दिन का वो बता रहा हूँ। कभी तो उठे नहीं। हाँ भाई, खेलने के लिए ना सही बता रहा हूँ, मैं नहीं उठा। चाहे जितना इम्पोर्टेंट काम रहा हो नहीं उठा, मतलब यहाँ सऊदी में आने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं उठा कि अरे जुमे के दिन शाम हमको खेल सकते हैं मैच जाके, लेकिन जुमे के दिन सुबह थर्सडे की रात में सो, और कल रात को सोते सोते सोना 1 बज गया तुम, 1 बजे से पहले नहीं सोया मैं। मसला नहीं, मैं समझ सकता हूँ। 1 बजे कल रात को सोया, सोते वक्त हल्के से दुआ भी करी थी कि अल्लाह सुबह मशीन भी सोता रहे। उठ गया हो। दिन में खेल लेते जरूरी है सुबह? अरे यार धूप निकलेगी ना अभी दिन में, पीठ चिटक जाएगी। पीठ चिटकते हुए देखी धूप बिल्कुल कड़ाके की रहेगी यार। सोना तो पेसर आज चल रहा है, लेकिन पता नहीं पेस फेंक पाएगा कि नहीं फेंक पाएगा। एक टाइम पे टूर्नामेंट वगैरह हुए थे, मैं तो नहीं था लेकिन मैंने वीडियोस वगैरह देखे हैं। सोना खतरनाक भाई, ओपन बॉलिंग कर रहा था अपनी टीम में, पेसर था सोना तो पेसर ये। अरे आमिर भाई जानते कितने बड़े कीड़े हैं, बैट ले ही आते थे वो। हैं सही बात है, सबको बर्बाद कर रखे थे। अब ये लोग बादशाह भाई लोग चाहते थे कि मैच ना खेला जाए, तो जो है आप
वो पर बात कर। बादशाह भाई तो ऐसा वो ऐसा गेम खिलवाते हैं बादशाह भाई जिसमें हिलना ना पड़े। लूडो फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो जाए जितने बादशाह कहते थे वाला गेम खेलो। आओ बैठो यार पबजी खेल लो, ये खेल लो, लूडो खेल लो। पबजी भी इसीलिए उनका बहुत दिल लगता था। चलो बैठे 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 जाए कुछ भी खा रहे हैं कुछ भी पी रहे हैं पबजी भी चल रहा है। बादशाह भाई बस जो कर रहे हैं दिल में मत लीजिएगा। अब मेरे जो है इसमें वही गर्दन में जो पेन आ जाता है वही तब से जो है 5-6 साल 7 साल हो गए इसका। वो उम्र ही नहीं रही है। उम्र वाली बात नहीं है वो उम्र में तो उल्टे हाथ से शक्ति मार देते थे। गर्दन नहीं रही है वो चेंज हो गए प्लास्टिक की लग गई है। तो वही ग्रीसिंग ग्रीसिंग करके आनी चाहिए थी यार। हाँ डॉक्टर ने तो एथलेटिक प्रोग्राम सब रोक दिए थे ना 5 साल। 5 साल क्या कहा था खाली तुम लेटर हो? नहीं ऐसा भी नहीं कहा था उसने, ये कहा था कि जंप नहीं करना है, ये नहीं करना है, कुछ वजन नहीं उठाना है, जंप नहीं करना है। ये सब मना था क्या? 5 साल तो होगा ना। 5 साल से ज्यादा 5 साल का होगा बे 2019 की बात है। हाँ तो 4 साल हाँ 5 साल नहीं हुआ अभी चेकअप कहाँ हुआ 5 साल का 5 साल का भी चेकअप है 5 साल का भी अभी 10 साल का भी है। Every 5 years है ना ऐसे बोलो। नहीं शुरुआत में पहले था वो महीनों का फिर ईयर का है, 1 साल का आया फिर महीनों वाले हो गए ना सारे। हाँ फिर दूसरे साल का था वो हो गया, अब जो है सीधा 5 साल पे 5 साल के बाद फिर 10 साल तो उसके बाद उनकी दवाओं की जिम्मेदारी उनकी दवाओं की जिम्मेदारी खत्म करता है 5 साल के बाद। तो तुम दवा तो खा नहीं रहे कोई भी? दवा नहीं खा रहे मतलब ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी खत्म। वारंटी 10 साल क्या कौन से वो डॉक्टर क्या नाम था असर महमूद ना ए, नहीं क्रिकेटर खेलने जा रहे हैं रात में सब पढ़ के सोने लग रहा है सबके क्रिकेटर के बारे में। नहीं मदर हुसैन बहुत सिमिलर था ना मदर हुसैन असर महमूद फट से मुंह में आ गया। चलो वैसे है अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट तो राइट वाली आंख भी नहीं खुल रही यार अभी पूरी इतनी सुबह उठा दिया। रवि 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 भाई है हमेशा जो है जब भी मेरे साथ ड्यूटी जाते थे ना मतलब जब भी हम उनके साथ ड्यूटी जाते थे तो कहते थे यार मैं पूरा नहीं उठता हूँ कभी भी जब भी मैं ड्यूटी जाता हूँ। कल कह रहे थे कि सैटरडे आना है बस मैं उठ जाऊँ। कह रहे तो मैं कभी भी ड्यूटी आता ना पूरा नहीं उठता हूँ वहाँ आने की बात जब गाड़ी भी चला रहा हूँ तो मैं मतलब आधी आधी नींद में ही रहता हूँ जब मैं गाड़ी चलाता हूँ। मैं कहता भाई थोड़ा धीरे चल लो आराम से ये नहीं चलाता हूँ मैं अच्छी हूँ लेकिन मैं अपने आप को पूरा उठाता नहीं हूँ थोड़ा नींद में ही रखता हूँ ताकि कम से कम नींद का जो कोटा है वो पूरा होता और ऑफिस जाने के बाद भी फौरन उसे कोई काम नहीं होता। ऑफिस जाके 15-20 मिनट बैठ के सिगरेट विगरेट पी के चाय पी के मतलब 7:30-8:15 बजे तक कहते कि हाँ अब थोड़ा सा फील हो रहा कि मैं उठा हूँ। यार अभी तो मैच खेला भी नहीं भूख लगने लगी वो ऑर्गेनाइजर से बात करते ऑर्गेनाइजर से बात करते हम लोग के यार पाले जी पहले मिल जाता था जाते ही। अच्छा टूर्नामेंट में जाओ पाले जी पहले भी है भाई ये सब टर्म्स भाई रात में बता के सोनी थी फिर उसके बाद जो है बीच में समोसे समोसे बहुत ऑयली होते कुछ और मंगा लो सुना मंगा नहीं रहे बता रहे किधर मिलता था क्या लू लूलू का फोन ये वाला होगा ना मेरे साथ उसके रूम पे चलो ना। हाँ वही पता है कौन एवरी डे कल से जब से सोना ने फेशियल किया है और ट्रिमर विमर बेहतरीन मुंह पे यूज किया है ना जब हाँ वही सुबह तो जब से किया है बिल्कुल 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 पहचान में नहीं आ रहा होगा ना कि ये कोई पुराना वाला है ना अमीर भाई ने तो देखा ये कहा कि नहीं गुटी थी अभी
अभी एक आंख से देख रहा हूँ मैं तो पुराना वाला लग रहा था। हेलो कहाँ रह गया? आ गए बस, आ जाओ बाहर की तरफ, बस यही ग्राउंड है सर, लूलू की तरफ यही पे खेलते हैं बच्चे। ऑर्गेनाइजर हैं ये और टीम भाई आई है, ये ऑर्गेनाइजर से आवाज है। अभी भी टीम को बुलाएंगे तो बहुत, हम लोग कभी ऐसे टाइम पे नहीं पहुंचेंगे। देखो वो पब्लिक घूम रही वसीम भाई के आसपास, ये कौन है बिल्ला दिख रहे? बिल्ला तो नहीं इतना पतला। हाँ बहुत माइनस हो गया, आखिरी आखिरी खत्म है तो। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। सच में पूरी आंख निकली है भाई, अल्लाह पूछेगा तुम लोगों को जुमे के दिन सुबह सुबह उठाया है ना। 150 रियाल का बैट लिया है, नींद आई बैट या बैट? बैट, वेरी गुड। ये मैं इधर जाना है, किधर जाना मुझे भी नहीं पता जाना किधर है। हाँ तो मैंने देखा है उधर लौंडे खेलते हैं। रात कल जाके एक बार इंस्पेक्शन ही कर लेते पिच का, इसको कुछ नहीं मालूम है कहाँ लेना है क्या लेना है कहाँ करना है। लग रहा है अभी फोन में लूडो ही खेल लेंगे हम लोग, वेट करूँ नहीं यार। और वसीम भाई और कोई है? हाँ हाँ है पक्का ना? नहीं मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूँ भाई, मुझे आप पे भरोसा है, रिकन्फर्म कर रहा हूँ। इंटरनेशनल प्लेयर लाए भाई हम अपने साथ। मैं भी लाया हूँ एक। अरे खत्म श्रीलंका बोले थे मुबारक भाई, ये सब श्रीलंका इंसान भाई। टन 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 लॉकिंग चल रही है मेरी। हाँ वेलकम टू माय ब्लॉग, मैं भी बना लेता हूँ कोलैबोरेशन हो रहा है तो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स सारे बड़े यूट्यूबर्स आए हैं। किधर चल रहे? इधर इधर हाँ इधर ही जा रहा हूँ भाई। ये देखो बैट लेके कोई जा रहा है, तुम्हारी टीम का ये क्या? ये तुम्हारी टीम का तो नहीं है मराठी बोल रहा अरे मुझे पता है इधर एक है यार पिच ये सामने जो ग्राउंड है यही क्या? हां यही की सामने जो है ना, हां यही पिच है छोटा सा दे दो। एवरी डे वेक अप भाई, ज्यादा लीड से नहीं हारेंगे ना? अरे आपस में लड़ रहे हैं, आप जीते हमारे के हमारे के आप जीते। वहाँ एक टीम तो पहुँच गई, वहाँ एक टीम अंदर जाने का वो बंदा इधर ही आ रहा होगा भाई, जल्दी से बढ़िया से पिच बैट लेके जो आ रहा है ना। हाँ वो इधर ही आ रहा होगा पिच लेके, पिच कवर करने के लिए। ऑलरेडी तो वहाँ किसी लोगों का कब्जा है, वहाँ तक ग्राउंड नहीं है, वहाँ तक भाई गाड़ी तो यहीं खड़ी पड़ी ऑन रोड इधर ही लगा यही लगा देते सीधी सीधी लगा दो। ओके देखो आमिर भाई क्या हुआ बताना चाहेंगे? बस मैंने पहली बॉल में छक्का मारा तो बॉल ही गायब हो गई, पीछे देख रहे हो ये है हम लोग की फील्ड जिसमें हमारे ऑर्गेनाइजर सर लेके आए। ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइजर बताओ क्या हुआ है, पूरी पिच
बहुत ज्यादा गीली, दो दिन पहले बारिश हुई थी जिसका अंदाजा नहीं था किसी को कि ऐसा होगा। और तो अब यहाँ पे इस टाइम पे हम लोग प्लान कर रहे हैं पिच चेंज करने का, तो दूसरी फील्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, देखते हैं कि क्या होता है आगे। तो बहुत गीली है, ताले सुबह सुबह बुला के नींद ही हराम कर दी है, और ना मैच हो रहा ना कुछ हो रहा, इतना ढूंढने के बाद अब जाके पिच मिली है, ये ग्राउंड मिला है। ये जो ग्राउंड में चीटियां दिख रही हैं ये अपने बंदे हैं, दूसरी टीम में अभी तक आ रही है, समझ रहे हो। इतना दौड़ इतने दौड़ दौड़ के साला जाए पेट भी पकड़ लेते, यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ, ताबा सेंटर के सामने मिला है ग्राउंड। अब देह मैच खेलना शुरू करते हैं बिना किसी फर्दर बकैती के, लेट्स सी क्या होता है। मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि हम लोग अपने तीसरे ग्राउंड में पहुंच चुके हैं आज तक। ये देखो तीसरा ग्राउंड है, हम लोग दो जगह से भगाए जा चुके हैं और तीसरे ग्राउंड में पहुंचे हैं। आगे पता नहीं कितना होगा, कौन कौन भगाएगा, कहाँ कहाँ भगाएगा, वी डोंट नो। एक नया ग्राउंड आया है, नए ग्राउंड में सबको लेके आया है, देखते क्या होता है, कितनी जल्दी स्टार्ट करते हैं कितनी जल्दी खत्म करते हैं। बताता हूँ आगे, अभी यहाँ कोई आके भगाया गया, ये भी टूर्नामेंट का ग्राउंड है तो बात अलग। असीम भाई आप गारंटी ले रहे कि नहीं ले रहे, यहाँ से कोई यहाँ से भी भगाएगा तो नहीं ना हम लोगों को। ऑल फील्डिंग चल रही है हम लोगों की। एक सिंगल हुआ, एक बंदे ने थ्रो मारा, थ्रो मिस हुआ तो थ्रो भाई के भी रन लेने लग गए। कह रहे थ्रो भाई का रन नहीं हो, टूर्नामेंट नहीं खेल रहे हो, ऑल फील्डिंग कर रहे सब, एक तो ऊपर से थ्रो भाई का रन लोगे तो हो गया। फिर फिलहाल ये वाला मैच पूरा होने आ रहा, लास्ट ओवर चल रहा है, हम लोगों की बैटिंग हो गई, 43 स्कोर हुआ था हम लोगों को जीतने के लिए, 44 बनाने थे। मैं तो आउट हो गया हूँ, मैं दो ओवर के बाद आउट हो गया, हाँ तीसरे ओवर में मैं आउट हो गया था। लाइव कमेंट्री दे रहा हूँ मैं इसको, मैच के बीच लाइव कमेंट्री आ रही है, समझो। तीन ओवर के बाद तो मैं आउट हो गया था, और अब हम लोगों ने बना लिए ऑलमोस्ट 35-37 रन, देखते हैं कहाँ तक पहुँचते। लास्ट ओवर है, बन नहीं पाएंगे वैसे, मुश्किल लग रहा है मुझे, बताता हूँ मैं तुम्हें।